ओके। वेलकम एवरीवन। मेरा नाम मोनिका अलवालिया है और uh, मैं कुछ कोर्सेज लेती हूँ एकेडमी में uh, जिनमें से जो प्रोमिनेंट हैं वो मी प्लीज कीप योर सेल्फ सो so, जो मैं कोर्सेज एकेडमी uh, में लेती हूँ वो अभी तक हैं इन टर्म्स ऑफ एंसेस्टर हीलिंग मैंने लिया है अभी मेरा कोर्स चल रहा है वूम हीलिंग के ऊपर और uh, मैंने शमानिज्म के कोर्सेज लिए हैं ऑल्सो आई टुक सम ऑन होलिस्टिक हीलिंग एंड ऑल सी बी टी सो ये uh, मेरा कोर्स जो अभी आ रहा है वो है पंचतत्व हीलिंग तो हमने सबने पंच तत्व के बारे में तो सुना ही होगा ज्यादातर ज्यादातर सब लोगों को पता होगा और वर्ड्स कोर्स संस्कृत वर्ड्स हैं और पंच तत्व सो इट इज समथिंग कनेक्टेड वेरी मच कनेक्टेड टू आर इंडियन आयुर्वेदिक एंड रूट्स सो पंच विनो पांच है और तत्व मतलब एलिमेंट्स सो so, हम यहाँ पे पांच एलिमेंट हीलिंग की बात कर रहे हैं तो जब हम पांच एलिमेंट हीलिंग की बात करते हैं तो वो हीलिंग बहुत सी मोडालिटीज uh, में होती है इन टर्म्स ऑफ इवन चाइनीज़ में टीसीएम uh, में एंड ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक में तो है ही uh, पर uh, जब हम पांच तत्व की बात करते हैं तो आप कौन पांच तत्वों के बारे में बताएगा मुझे ऑफ कोर्स सब बोलेंगे कि ये क्लास मैं ले रही हूं कि आप मुझे बताने वाले हैं लेकिन सिंस हम सबको मालूम है पांच तत्वों के बारे में तो अस स्टार्ट के कौन से ये पांच तत्व हैं जो हम बात कर रहे हैं प्रमिला को पता है प्रमिला फायर एयर एंड हो गया पांच देख चार हुए और स्पिरिट हां यस राइट ओके राइट सो सिंपल से वर्ड्स हैं राइट हम सब जानते हैं कौन नहीं जानता है हम सब आ, अर्थ पे आई मीन I mean, भूमि जो है उससे हम लोग सब कनेक्टेड ही हैं क्योंकि हम अर्थ प्लेनेट पे रहते हैं और अर्थ प्लेनेट पे रहते हैं तो अर्थ प्लेनेट पे हमें मालूम है कि आसपास पानी है ही राइट right? कितना पानी है हमारे प्लेनेट पे क्या हम ऐसे प्लैनेट्स पे रह सकते हैं जहाँ पर पानी नहीं हो हुँ? कौन बोलेगा इतने सारे लोग हैं, so, who will say के नहीं आपके हिसाब से जीवन पॉसिबल होता अगर हमारी सृष्टि पे पानी नहीं होता अफकोर्स हवा नहीं हो तो आप जानते हैं कि आप श्वास नहीं ले पाएंगे तो आप वैसे ही नहीं जी पाएंगे पर पानी अगर नहीं होता तो भी क्या आप जी पाते या आप जीवन आपका पॉसिबल था इस धरती पर मैम इट विफेक्ट ग्रेटलीफ So मतलब कुछ दिन तो आप उसके बिना जी लेंगे लेकिन फिर आपको पानी की जरूरत पड़ेगी कि पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी भी नहीं हेल्थ अफेक्ट करेगा वो तो ठीक है आप हेल्थ कह रहे हो कि पानी की कमी की वजह से लेकिन पानी तो जीवन है ना बिना उसके आप आप ठीक है आप मछली के सामान नहीं है कि पानी से निकालो और आप मर जाओगे जैसे कि हमने सुना है और हम जानते हैं राइट right? सबने कविता सुनी होगी ना कि नहीं आई थिंक बहुत क्वाइट क्लास है चलो कोई बात नहीं सोकल्टी विल स्टार्ट रेड्यूसिंग ग्रेजुअली है यस करेक्ट ओके सो ठीक है उतनी जल्दी नहीं होगा जितना के अगर हमारी स्वास्थ्य होगा पर पानी से हम कुछ घंटे बिना पानी के आई मीन लोग व्रत भी रखते हैं बिना पानी के आ, निर्जल व्रत रखते हैं हम लोग के लाइक करवा चौथ होता है आ उसमें आप आ, बिना पानी के एक दिन रहते हो सो ऐसे कई लोग होते हैं जो कुछ दिनों तक भी पानी के बिना रह सकते हैं लेकिन फिर भी पानी की आफ्टर सम टाइम वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव राइट सो जो ये इवन इन टर्म्स ऑफ फायर राइट अगर अग्नि भी नहीं रहेगी तो हमको मालूम है कि हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कंट्रोल रहता है और अगर अग्नि के बिना हम चीजों को कोर्स पका भी नहीं पाएंगे उनको पका के खा नहीं पाएंगे और हर चीज हम कच्ची तो नहीं खा सकते हैं चाहे एक समय था जब जीवन में केव मैन थे जब वो कच्ची सब्जियां कच्ची चीजें खाते थे या कच्चा मांस खाते थे या जो भी उस समय पे उनका टाइप ऑफ फूड था राइट right? सो so वो एक उस टाइम था और उसके अलावा इज वॉटर वी टॉक्ट अबाउट हमने सिंपल वर्ड्स में अर्थ की बात हम जानते हैं कि हम पृथ्वी पे रहते हैं तो तो भूमि ही है अर्थ है और वो उस अगर अर्थ नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं हवा के अंदर रहेंगे राइट right? तो हवा में आप उड़ते हुए ऊपर हम सब दिखाई देंगे हम्म hmm? तो हवा की जरूरत कोर्स है पर पृथ्वी हमको इस धरती से हम यहाँ कनेक्टेड रहते हैं राइट right? हम ग्राउंडेड रहते हैं हम इस धरती पर स्टेबल रहते हैं विद द अर्थ बीइंग देर आप वजह स्पिरिट की बात करें तो क्या स्पिरिट की जरूरत है हम सबको आपके हिसाब से स्पिरिट क्या होती है Hmm? यहाँ पे सब न्यूमरोलॉजिस्ट आई डोंट नो दैट वेदर माय आंसर इज करेक्ट और नॉट But let uh -huh. me take a try. Uh, spirit okay. is, suppose we are human being, we live in one realm and spirits mm -hmm. are not visible to us. They are also some particular being who stays in another realm and those who are sensitive people, they can sense them. Even uh, okay. many uh, practitioners are there who even can talk to spirits. Okay. Okay. thank you.

और पता लगाने के लिए तो हम आए हैं है ना yes, no. हम लोग सब जो आप कह रहे हो. So हम एक स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में जानते हैं और हमेशा हम बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि स्पिरिट वर्ल्ड मतलब course, बाहर जो दुनिया है और जिसमें जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं जो फिजिकली फॉर्म में हमारे तरह नहीं है राइट दैट इज वॉट इज आर परसेप्शन अबाउट द स्पिरिट वर्ल्ड

हाँ सो so, जीवन जीने के लिए भी फिर उसकी जरूरत है हमें क्योंकि वो बॉडी में जब रहती है चाहे वो बॉडी के बिना भी अस्ति, उसका अस्तित्व है वो जी सकती है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कंपोजिशन ऑफ अ बॉडी हैज ऑल दीज फाइव एलिमेंट्स राइट है ना करेक्ट आवाज, आवाज से नहीं आ रही है। आ, एक मिनट आपका ना आवाज एको कर रही है तो आवाज ठीक से नहीं आ रही है मे बी आप तो कुछ कनेक्शन ऑन है आपके आसपास पास Okay, हाँ, sure. मैम क्या था? आकाश तत्व को स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं लाइक like, पंचतत्व में आकाश एक एलिमेंट हाँ, है ना हाँ तो तू अ लार्ज एक्सटेंट यस ऑफ कोर्स बट आकाश तत्व और जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो वो दोनों में फर्क हो गया ना एयर और स्पिरिट में फर्क हो गया टू दैट एक्सटेंट राइट हम्म अदरवाइज यस यू कैन ओके okay. तो अब ये तो हमारी बॉडी के अंदर की बात हुई एनी वे आई विल नॉट कम हियर कि ये हमारी बॉडी की बात हुई कि हमारी बॉडी के अंदर ये पांच तत्व है राइट right? अब सृष्टि में भी ये पांच तत्व है, है कि नहीं है आप अपने अंदर ये देख रहे हो बाहर भी आप देख रहे हो राइट right? पानी को आप बाहर भी देख रहे हो अग्नि को आप बाहर भी देख रहे हो हवा को आप बाहर भी देख रहे हो राइट right? स्पिरिट जो इन्होंने बात की अभी वेरी फैंटेस्टिक दैट वी सी आउटसाइड ऑल्सो राइट अगर हम अपने अंदर देख रहे हैं तो हमको पता है कि स्पिरिट वर्ल्ड बाहर भी है एंड देर आर स्पिरिट्स आल्सो राइट एंड उसके अलावा हर एक चीज की भी स्पिरिट है तो स्पिरिट सिर्फ हमारी ही नहीं है स्पिरिट पेड़ की भी है जानवर की भी है पत्थर की भी है तो जीवित लोगों की और अजीवित लोगों की भी है राइट right? क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस कॉन्शियसनेस सब में है तभी तो हम मूर्ति के अंदर भी पत्थर के अंदर भी वो स्पिरिट को खोज लेते हैं या उस स्पिरिट से कनेक्ट कर पाते हैं तभी हम चाहे वह क्रिस्टल हो तो भी हम उसकी स्पिरिट को कनेक्ट कर पाते हैं इसका मतलब वो उसके अंदर भी है ना तो हमारा जो हीलिंग वर्ल्ड है अगर आप देखो तो वो तो इसी इस पे ही डेवलप है कि हम हर एक की स्पिरिट से ट्यून इन कर पा रहे हैं तभी हम उस चीज को अपनी हीलिंग मोडालिटी में इस्तेमाल कर पा रहे हैं चाहे वह लकड़ी हो पत्थर हो कोई क्रिस्टल हो कोई भी चीज कपड़ा हो कोई ऑब्जेक्ट हो वास्तु की कोई चीज हो सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पंच तत्व अस और जो हमारे बाहर है और दोनों का सिग्निफिकेंस उतना ही है क्योंकि जो हम बाहर देख रहे हैं वही चीज हमारे अंदर भी है और जो हमारे अंदर है वही चीज बाहर भी है राइट right? और इसीलिए जब बाहर कुछ इम्पैक्ट होता है उसका इम्पैक्ट हमें भी उसका फर्क पड़ता है इसलिए हम बोलते हैं ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या कोई भी चीजें प्रकृति में बदलाव आ रहा है चीजें बदल रही हैं आसपास की चीज़ों में रुकावटें या एडल्ट्रेशन हो रहा है तो वो हमको भी इफेक्ट कर रहा है और वही ना वही कहीं ना कहीं वो हम क्योंकि उनको कैसे हम हम कंज्यूम भी करते हैं राइट right? आप खाना खाते हो तो कहीं ना कहीं आप वह अर्थ के एलिमेंट्स का ही तो खाना बना है ना आप उसको उगा कहाँ रहे हो खाने खाना किधर से आपके पास आ रहा है जो भी आप चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो तो जो भी चीज है वह है तो आपके उसका प्रदान करने वाला उसको दे उसका दाता कौन है तो वो चाहे आप जानवर भी अगर आप खा रहे हो तो जानवर भी वही चीजों को कंज्यूम कर रहा है जो बाहर है। और फिर वो आपके अंदर आ रही है। right? so to, बाहर है, अंदर है, so हमारा एंटायर यूनिवर्स इज कम्पोज ऑफ दिस पांच तत्व और इसके लिए आप समझ सकते हो कि जब आप अपने चक्रा हीलिंग की बात करते हो आप अपने अंदर चीजों को बैलेंस करने की बात करते हो तो सोचो कि पंच तत्व तो उससे भी बड़े हो गए चक्रा से क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब अपनी चक्रास तो आप धरती या इवन दैट यू कैन सी द चक्रास ऑफ ऑब्जेक्ट्स आल्सो लेकिन जब तत्व की बात कर रहे हैं तो हम पूरी सृष्टि कायनात सब की बात कर रहे हैं अपने अलावा राइट सो एज एज हमने बात की कि हमारी जो बॉडी है वह जो बॉडी का कंपोजिशन है जो सॉलिड चीजें हैं जो आपका मस्कुलर सिस्टम है जो है, है, जो है, जो आपके आपके बोन्स हैं हैं नेल्स फिक्स्ड स्टेबल सॉलिड है जिनका एक फॉर्म है वो कंपोजिशन हुआ आपका अर्थ का तो आपका अर्थ विल सिग्निफाई दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी और योर फिजिकल एग्जिस्टेंस राइट पानी तो आप ऑफ कोर्स जानते ही आपके अंदर पानी किस प्रकार से है आप फ्लूइड्स जानते हैं आप अपने ब्लड को जानते हैं सो यू आर अवेयर के द वॉटर का जो क्वालिटी है इज ऑफ फ्लोइंग तो जो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरह से फ्लो होता है जिसका एक लिक्विड फॉर्म होता है जो इस तरह से तो दैट इज अ वाटर कंपोजिशन राइट सो वो आपके बॉडी को सॉफ्ट बनाता है जैसे अगर आपको आज खाना भी बनाना है कुछ खाना पकाना है तो उसमें पान, पानी डालोगे तो ही आप उसको वो फॉर्म दे पाओगे ना so, सो वो अर्थ के को भी आपको भी भगवान ने जब सृष्टि में बनाया आपकी बॉडी को बनाया तो उसको वह फॉर्म देने के लिए वह पानी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ा ना तभी वो उसकी मूर्ति कारिगिरी हो पाई राइट right? और फायर है जो उसके उसको तापमान को संभाल के रखती है बॉडी के अंदर और सारे ऑर्गन्स को ठीक तरह से फंक्शन करने में मदद करती है राइट right? तो अगर आप आज कुछ खाना भी खा रहे हो तो उसको पचने के लिए वो फायर की जरूरत तो है बिना फायर के तो वह खाना पकेगा नहीं और जब पकेगा नहीं आपके अंदर भी चाहे आप पका पकाया खाना खा रहे हैं पर उसको डाइजेस्ट करने में उसको वो उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में उसकी जरूरत है राइट उसी प्रकार से आप बिना हवा के जो है वह आपके पूरे पैसेज को आपके बॉडी के अंदर जो है वो क्लियर करती है आपके ऑर्गन्स को रेस्पिरेशन प्रोवाइड करती है उनको वह प्रकार की लाइटनेस प्रोवाइड करती है क्लियर क्लैरिट क्लियर लाती है उनके पैसेज को क्लियर करती है और स्काई जो है वह आपको होल्ड करता है एक्सपेंशन में इन यूनिफाइंग विद दस्मोज राइट दैट इज हाउ यू कनेक्ट टू दी कॉस्मोज सो अगर हम ये पांच तत्व की बात कर रहे हैं तो हम कौन से पांच चक्रा की बात कर रहे हैं ये भी आपको आसानी से पता चल गया होगा क्योंकि हम सब चक्रास के बारे में तो जानते हैं और जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और या हम बात कर रहे हैं ये सब फॉर्म्स में तो हमको मालूम है कि हर हाँ चक्रा का कौन सा एलिमेंट है राइट मालूम है कि नहीं मालूम है तो बताइए गीतांजलि जी आप बताइए कौन से चक्रा का कौन सा एलिमेंट है चलिए अब यहाँ पे आपने अपना बंद कर लिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब जो है ऐसा एस, है कि पहली बार आप लोग सब अटेंड कर रहे हैं हीलिंग क्लास yes, या आपको बोझ है डर है यस मैम ये क्यों है मैम एक क्वेश्चन था मेरा आप भी पूछो क्या ah. बाद में पूछो पूछ व्हाटवर नो मैम दैट लाइक माय अंडरस्टैंडिंग इज एज यू आर एक्सप्लेन सो अच्छा संथ्या बोलिए हां संथ्या बोलिए एवरी ऑब्जेक्ट लाइक वेदर इट इज एन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सबका ही एक स्पिरट है सो द स्पिरिट व्हेन इट इज विदीन अ वेसल और विदिन अ बॉडी लिविंग बॉडी और मे बी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो हम उसको एक आकार में देखते हैं वी ह्यूमन एंड जब लेकिन जब वो स्पिरिट निकाल जा जब वो टूट जाता है सपोज एक क्रिस्टल मेरा टूट गया है मीन्स दैट उसका स्पिरिट चला गया उसका उसमें और कुछ एनर्जी नहीं है राइट right. hmm. तो स्टोन uh, ब्रेक हो गया कि ब्रेक हो गया सो इट्स मतलब वो स्पिरिट पूरा ही चला गया क्या सपोज एक डिश ब्रेक हो गया क्या वो हर मतलब हर पीसेस में भी स्पिरिट रहता है course, हर पीस में भी रहता है आपकी पूरी बॉडी जो है आपकी बॉडी hmm. बहुत अनगिनत सेल्स की कंपोस्ट है राइट right? <laughs> उसी चाहे आप उसको एटम बोलो मतलब एनर्जी होता है यस न्यूट्रॉन्स yes. बोलो राइट right? हर एक में मेमोरी होता है हर एक का हर एक में पूरा ज्ञात होता है आपकी पूरी बॉडी का एक <laughs> सिर्फ राइट right? तभी वो जॉइन कर करके आपकी पूरी बॉडी जो है वो उस उस उससे भले ही फॉर्म हो रही है लेकिन हर सेल नोस द एंटायर थिंग राइट इंटीग्रिटी जब तक रहेगा तब तक कंसोलिडेटेड रहेगा देखिये अभी जैसे आप आप बात कर रहे हो जैसे कि हम आपने जो कंसेप्ट की बात की है वो कंसेप्ट हुआ जो जो हम सोल फ्रेगमेंस की बात करते हैं जहां पे आपका एज अ पर्सन आल्सो देर कैन बी अ स्प्लिट देर कैन बी सम कुछ पार्ट ऑफ योर्स कैन गेट डिफॉर्म्ड और अवे फ्रॉम यू है ना आपसे दूर हो सकता है तो वो एक अलग चीज हुई है ना hmm. उसी प्रकार से आपके इवन जो आप स्टोन्स की बात कर रहे हो कोई भी क्रिस्टल की बात कर रहे हो जब वो ब्रेक हो जाता है तो उसका जो एंटायर स्पिरिट है उसमें hmm. एक क्रैक आ गया है ना hmm. तो hmm. क्रैक आ गया तो कुछ पोर्शन उसका स्प्लिट हो गया पर इसका मतलब ये hmm. नहीं कि उसकी स्पिरिट नहीं रही मे बी इट मे बिकम लिटिल लेसर इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग है ना hmm. जैसे कि अगर आपकी बॉडी का कुछ पार्ट काट दिया गया कोई पार्ट आपका डिसफंक्शन हो जाता है कुछ पार्ट को निकाल दिया जाता है तो ऐसा तो नहीं है आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करती राइट आपकी बॉडी फिर भी फंक्शन करती ठीक है हाँ हाँ पार्शली करेगा या फिर उसकी डिपेंडेंस ऑन अदर ऑर्गन अदर साइड अदर थिंग बिकम्स मोर है ना राइट सो जब हम हाँ. So, हम जब पांच तत्वों की बात कर रहे हैं सो so ऑब्वियसली हमारे जो पांच मेन चक्रास हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारे मूलधार चक्र सो दूट रूट चक्र हमारा फर्स्ट चक्र होता है बॉडी के अंदर जो कि हमारे टेल के इधर होता है राइट right? mm -hmm. ये चक्रा इज रिस्पे इज द फर्स्ट विच इज कनेक्टेड टू द फिजिकल वर्ल्ड है ना जब हम इस दुनिया में आए हैं जब हम एज अ चाइल्ड हम इस दुनिया में एंटर करते हैं हमारी सबसे बेसिक नीड उस टाइम क्या होती है बेसिक नीड क्या होती है बताइए आज, आज आज आपकी बेसिक नीड क्या है अच्छा मैं मैंने रोटी कपड़ा मकान मैडम स्टेबिलिटी राइट राइट मैंने रोटी कपड़ा मकान अच्छा मैं मैडम हाँ. जय माता दी मेरा प्रणाम लेना मैडम मैडम क्या मैडम कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन मैडम हाँ पूछे ना ओके मैम एक्चुअली मैं आई एम जॉबलेस आई एम नाउ थर्टी सिक्स इयर्स ऑफ एज बट स्टिल आई एम नो जॉब आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब एंड येट नॉट मैरिड मैडम एक्चुअली Okay, mm -hmm. and mm -hmm. and one uh, relative of mine looted all our landed properties and bank balance and Now we stayed in rent, so no home and no bank balance actually, and no job, no marriage. And he has also casted a black magic spell on me and sent some evil spirits in my home so that I don't get a good job actually. And he has okay. uh, ruined my life completely, madam. So how to so how to get rid of it, ma'am? Please, please tell madam. Um okay. So, uh, देखिए आपने कोर्स आपके आपके बारे में इतना कुछ बताया इतना कुछ शेयर किया आई नो इट्स नॉट इजी थिंग और इतना आसान नहीं होता दोस्तों के सामने अपनी बात को व्यक्त करना या अपने बारे में कुछ चीज बताना ठीक है सो uh, so हम मे बी आफ्टर क्लास बात कर सकते हैं बट अगर मैं ये क्योंकि ये कोर्स है कोर्स की हम बात कर रहे हैं तो अफकोर्स आपकी जो uh, चीजें कनेक्टेड है आप कर रहे हो अर्थ एलिमेंट से जहां पे कि आपका अर्थ एलिमेंट टोटली डिसबैलेंस्ड है है ना राइट right? अभी देखो किसी ने कुछ किया आपके साथ कोई आपके ऊपर कुछ कर रहा है जादू टोना वो अलग एस्पेक्ट है आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज वो तो एक अलग तरह की थ्योरी है अलग तरह की चीजें हैं लेकिन अगर आपको अपने जीवन में कोई चीजों को ठीक करना है अपने आप अपने बलबूते पर जिससे कि आप उस पर सुधार ला सकें अपने सिचुएशन में तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और इस कोर्स के द्वारा आप अपने जीवन में वह सब चीजें जो डिस हैं उनको ठीक कर सकते हैं ओके okay? तो वो उस एस्पेक्ट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं ये मैं सिर्फ बोल सकती हूँ

एक एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर कुछ करने की बात कर रहा है, है ना? Right? So okay? okay, तो, so, हाँ सो so मूलधार चक्र की हमने बात की तो एज वी ऑल नो कि हम जब इस दुनिया में आए हैं हमारा फर्स्ट नीड रिक्वायरमेंट होता है टू गेट टू सरवाइव राइट टू बी एबल टू लिव है ना और अगर हमको जीना है तो हमको सबसे पहली जो जरूरतें हैं वो है कपड़ा मकान जैसे आपने बोला राइट है ना सो so, हमको कोर्स कपड़ा तो ठीक है कपड़े के बाद अगर हम करें मकान की बात मकान के बिना भी लोग रहते हैं ऐसा नहीं है रोड पे भी लोग रहते हैं लेकिन अः लोग का को को जिंदा रह पाए तो उनको खाने को भी जरूरत है राइट सो so, जो खानी खाना है जो भी है वो उसको सृष्टि से प्रोवाइड होता है जो इस अर्थ पे रह रहे हैं अर्थ से हम ग्रो करते हैं अर्थ में हमको पका उसको हमको मिलता है तो कहीं ना कहीं जब आप अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हो चाहे आप वो खाना कंज्यूम कर रहे हो तो वो खाना इज कम्पोस्ट ऑफ द अर्थ एलिमेंट राइट है ना सो so, ये हमारा हुआ इस तरह से हमारे डिफरेंट चक्रास हैं जो कि हमारे डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड है तो हम जैसे अगर सेक्रल चक्रा की बात करें तो वहाँ का जो एलिमेंट है वो वॉटर है और अगर हम सेक्रल चक्रा की बात करते हैं तो इट इज कनेक्टेड टू रिलेशनशिप्स और हम जानते हैं कि पानी जो है वो इमोशन से कनेक्टेड है राइट right? सो so, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो जो हमारी फीलिंग्स हैं हमारे जो अश्व है या जो हमारे अंदर जो भी इमोशंस हैं राइट right? हम किस किस से किस तरह से व्यवहार रखते हैं किस प्रकार से किसके साथ डील करते हैं तो वह सब जो है कहीं ना कहीं इस चक्रा के इधर डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ आर पार्टनरशिप डुअलिटी कंसेप्ट राइट जहां पर हम जानते हैं कि हम एक मर्द औरत जो है वह और हमारा पैशन आर जेंडर एवरीथिंग सेक्स सो दैट इज कनेक्टेड टू दिस एलिमेंट राइट सो स्वादिष्ट चक्र इज दल जो uh, चक्र हम इंग्लिश में बोलते हैं और स्वादिष्टान हिंदी में बोलते हैं या संस्कृत में बोलते हैं हम मणिपुर चक्र जो है वो सोलर प्लेक्सिस है तो वहां का एलिमेंट जो है फायर है सो so, ये जनरली दिस इज हाउ जो एज अ हीलर हमको पता है कि ये सब चक्रास है और चक्रास के क्या क्या एलिमेंट्स सो so, ये हमने वेबिनार के बाद बारे बात टाइम भी इसकी बात की थी तो इस कोर्स के अंदर बेसिकली आपको क्या होगा आपके जब आप पांच तत्व के बात कर रहे हो तो वह पांच तत्व आपके चक्रास से कनेक्टेड है तो इसके लिए ये चक्रास की बात होगी सो ऑब्वियसली उनकी बैलेंसिंग करनी है तो आप उनकी बैलेंस करोगे और चक्रा की भी ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग होगी राइट सो बी मेडिटेशन रिलेटेड टू दैट उसके बाद हर कोई जो पंच तत्व है उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है राइट right? अगर आप अपने वास्तु में पढ़ते हो फेंशुई में पढ़ते हो तो आपको मालूम है कि आपके घर के अंदर या आप जहां पर भी है वहां पर जो भी डायरेक्शन है उसके हिसाब से उसका स्वामी उसका एलिमेंट कौन सा है उनका right? राइट और जब वो एलिमेंट इफेक्टेड होता है तो वो डायरेक्शन भी का भी इश्यू होता है पर ये कोर्स जो है इज नॉट फ्रॉम अ फेंशुई पॉइंट ऑफ व्यू ना ही ये वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से है सो so, हम जीवन में अपने जब ये तत्वों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह है जो दिशाएं हैं हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, वो डायरेक्शंस के साथ भी हमारा रिलेशनशिप कैसा है विद द एलिमेंट हम उसके ऊपर ध्यान देंगे बट नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंशु एंड वास्तु इट इज फ्रॉम अ हीलर्स पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो ये पूरा कोर्स जो है वो एज अ हीलर है जब आप अपने आप को हील कर रहे हो या आप अपने क्लाइंट्स को हील कर रहे

which is also balances the emotions and so henceforth it is related to relations with people like uh, how will be our communication relations emotional mm -hmm. relations with others so Better. can uh, say like that those who drink less water apart from their health effect dehydration or any organ effect they also get emotional imbalance in long run, they may get, and also further, they are, they might have relationship issues too. And if they are dealing with such challenges, in that case, drinking sufficient water will also keep balancing the emotional part of the body, and also at the same time, good vibrations to all the people with whom we are connected. So the overall relationship maintenance will be more healthier. can can we say that uh, yes, so you अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अर्थ के ऊपर अगर पानी की कमी हो जाए अभी आप मैं अपनी बॉडी की बात नहीं करी सपोज अर्थ के ऊपर पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा उसका इफेक्ट क्या होगा धरती ड्राई हो जाएगा लाइक जो हाँ, मिट्टी है ठीक हाँ, है मिट्टी तो तो हो जाएगा ग्रीनरी जो है प्लांट जो है हाँ, जो खेती है उसका ग्रोथ इफेक्ट होगा इट कोई बहुत ड्राई प्लेस रहता है जो पांच साल उधर बारिश नहीं आया एंड फॉर सो दैट मतलब वो एकदम ड्राई रहता है उधर कोई खेती नहीं हो सकता है और अगर ग्रीनरी प्लांटेशन ग्रोथ नहीं होगा then uh, who will will feed us I mean हाँ, sufficient agree, agree. vegetables हाँ. food हाँ. grocery so we, there will be scarcity of foods too Correct. वो तो आपका एक लॉजिक हुआ एज अ पर्सन है ना अभी देखो मैं आपको एक अपना दूसरा पर्स्पेक्टिव देखने को बोलती हूँ नेचुरल इम्बेलेंस होगा अर्थ में करेक्ट नेचुरल इम्बेलेंस होगा आपकी धरती की सुंदरता वैसी ही रहेगी जैसी सुंदरता है राइट उपजाओ उपजाऊ जो जमीन मतलब right? है, yes. right? yes. है वो बंजर बन जाएगी राइट right? है ना और जब कोई चीज बंजर बन जाती है मतलब उसका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है ना जो हाँ। आपका जो जो प्यार है, विश्वास हाँ। है जीवन में या जो हाँ। भी आपका रिलेशनशिप्स है जो हाँ। से फॉर एग्जाम्पल टू गिव बर्थ टू हैव चिल्ड्रन टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी राइट है ना हाँ। वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी राइट right? हाँ। है ना सो so, अगर आप उसको एकदम सिंपल तरीके से देखो सी वी हम लोग क्या होते हैं हम हर चीज में वी ट्राई टू अप्लाई द लॉजिक ओके ये 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 बट अगर आप कोई चीज को एकदम सिंपल तरीके से भी देख रहे हो कि अगर सृष्टि है उसमें पानी नहीं है पानी नहीं है तो वो बंजर बन रही है बंजर नहीं है तो उसकी जो ऊपरी तलब देखने में जो ऊपर का वो हिस्सा है वो एकदम गंदा लगने लगेगा खराब लगने लगेगा स्केलिंग हो जाएगी है ना राइट right? yeah. उसी प्रकार से आपका जीवन भी हो जाएगा अगर आपकी बॉडी के अंदर भी yeah. वो सब नहीं है yes. तो आपकी स्किन कैसी हो जाएगी बी बी नो नो ग्लो काइंड ऑफ शाइन देर विल बी नो लिब्रिकेशन राइट है ना तो योर ऑल रिलेशन एनी बी इफेक्टेड सो मतलब आई वॉन्ट हर कोई जो है सी मेरे कोर्सेज में और मेरे हर चीजों में मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि इंसान सिर्फ एक पर्टिकुलर तरीके से ही सोचे yes, उसको ये yes. दिमाग को एक्सपैंड करे और सोचे so हाँ expand. ये क्या-क्या चीजें हो सकती हैं पॉसिबल हम्म हम्म सो दैट वी गेट द होलिस्टिक आउटलुक या एंड नॉट ओनली वी शुड बी द वंस जो हम अपनी खुद की चीजें इन्वेंट कर पाए खुद की चीजें बना पाए खुद की mm -hmm. चीजों को

आ, नहीं नहीं मोस्ट वेलकम ओके सो यही चीजें हमारे हाथों पे भी है ओके तो जो हमारे जो पांच फिंगर्स हैं इंक्लूडिंग आर थम वह रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ये पांच एलिमेंट्स ओके okay. सो so, इसीलिए जो मुद्रा थेरेपी है या जो आप मुद्रास करते हो हैंड पोजिशन करते हो अगेन मुद्रा से सो मच वी हैव टू वी हैव गिवन टू वर्ल्ड आप सोचिए एज इंडियंस एज Um, uh, the civilization which we we belong to, we have given so much, विच वी बिलोंग टू वी हैव गिवन सो मच and we need to carry it forward now. तो so, ये जो मुद्रास थेरेपी है वो इस बेसिस पे कि हमारे ये पांचों फिंगर्स इंक्लूडिंग आर थम अगेन पांच मतलब चार अगर फिंगर, uh, फिंगर्स के हैं और एक थम represent दे elements. इसीलिए जब हम उनको कंबाइन करते हैं उनको ज्वाइन करते हैं उनको एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो हम वह पर्टिकुलर तत्व वह पर्टिकुलर चीज को बैलेंस करते हैं तो इस कोर्स में आपको थोड़ा बहुत हैंड पोजिशन्स के ऊपर भी होगा कैसे हम डिफरेंट हैंड पोजिशंस इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बैलेंसिंग द एलिमेंट सो बेसिकली आपके पांच एलिमेंट्स हैं आप उनको किस किस तरीके से कर सकते हो एक आपने चक्रा से उनको कनेक्ट किया एक आपने उनको डायरेक्शन से कनेक्ट किया एक आपके हैंड फिंगर्स से आपके कनेक्टेड है फिर आपके इवन आर्क एंजल्स जो है डिपेंडिंग ऑन आप कौन से एलिमेंट पे काम कर रहे हो वह एलिमेंट से कनेक्टेड आर्क एंजल्स भी होते हैं सो वह आर्क एंजल्स के साथ भी हम कार्य करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ओके मैम फूड भी होते होंगे फूड खाने वाले जैसे उस चक्रा से हाँ, मैम जैसे उस चक्रा से रिलेटेड फूड जैसे हम खाते हैं उस कलर के हाँ फूड भी खा सकते हो आप वैसे रंग के कपड़े भी पहन सकते हो आप उनके रिलेटेड मंत्रास भी बोल सकते हो आप उनसे रिलेटेड विजुलाइजेशन एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो मैम ये हम दूसरे के लिए जैसे अपनी फैमिली में किसी के लिए कर सकते हैं जैसे अपने लिए नहीं अपनी फैमिली में हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं कर सकते हैं? अपने लिए, लिए, भी कर सकते हैं। के लिए भी कर सकते हो लिए भी कर सकते हो मैम जैसे अपने बच्चों के लिए करना हो पर थो उसके थो। लिए देखो आपको पहला ये समझना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन के आप किसी को देखते हो उस पर्सन में किस तत्व की कमी है हां हां। या कौन सा तत्व डिसबैलेंस राइट तो उसका किस तरह से आप पता लगाओगे किस तरह से आपको समझ में आएगा अगर अफकोर्स डिपेंडिंग ऑन द डिसीज के बेसिस पे भी आप पता लगा सकते हो कौन से ऑर्गन इफेक्टेड है उसके बेसिस पे भी हम पता लगा सकते हैं या आप ओवरऑल अगर पूरा बैलेंसिंग करना चाहते हो जिसमें कि एज अ जनरल एवरीडे मतलब प्रोटीन आप वह भी कर सकते हो राइट right? जिससे कि आपकी बेटर हेल्थ हो सो so, आपके हेल्थ के लिए पंच तत्व हीलिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इट इज अ प्री रिक्वायरमेंट एक्चुअली बोला जाए तो मैम इसे कितनी देर करती हैं कितनी देर करते हैं देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी चीज करना चाहते हो आप दस मिनट भी कर सकते हो पांच मिनट भी कर सकते हो अब अगर आप मुद्रास कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको फोर्टी फाइव फिफ्टी मिनट्स करना चाहिए उसमें आप पंद्रह पंद्रह मिनट करके ब्रेक करके भी कर सकते हो राइट पर अगर आप विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हो चाहे आप अर्थ से रिलेटेड चीजें कर रहे हो जैसे कि आज मैं आपके लिए बेसिकली हम अर्थ एलिमेंट पे फोकस करने वाले थे तो अगर हम अर्थ एलिमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो अर्थ एलिमेंट में जैसे कि अगर आप ग्राउंडिंग करते हो एवरी अपनी बॉडी की राइट अगर आप अर्थ वॉक नेचर वॉक करते हो राइट right. तो वो आपके वो आपके ऊपर है ना आप कितनी देर किस क्या चीज करना चाहते हो या अगर आप सिर्फ जैसे कि रोल करते हो आपने देखा है कि कभी कभी आप जमीन के लोग जब आप परिक्रमा के लिए जाते हो आप मंदिर जाते हो कई लोगों को आप क्या देखते हो कि वह जमीन के ऊपर रोल भी करते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं? देखा है आपने कभी सो so, उससे आपका सबसे अच्छा ग्राउंडिंग होता है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इनफैक्ट रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं वो भी वो हो जाते हैं पर आप वह करना चाहो नहीं करना चाहो आपको कंफर्टेबल हो नहीं कंफर्टेबल हो तो जो चीजें आप करना चाहते हो वो पांच दस मिनट में भी कर सकते हो ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा मेजर चीज करना है अगर आप रोज करते हो तो मैं डिफरेंट डिफरेंट तकनीक सिखाऊंगी डिफरेंट टेक्निक्स आप कौन सी टेक्निक को किस हिसाब से यूज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं राइट right? तो हमने बात की कि तो हम इस कोर्स में क्या करेंगे कि आपकी बॉडी है उसका एक कॉम्पोजिशन है उसका एक एक तरीक दिखने में एक तरीका है और एक प्रकार से आप उसके जो फेस कर रहे हो एवरीडे लाइफ में राइट right? किसी को कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और हो सकता है किसी को स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं हो पर उसको ओवरऑल जैसे कि किसी के बाल झड़ते किसी के स्किन uh, में पिगमेंटेशन है राइट right? सो so, अभी ये है डिसीज तो नहीं आप बोल सकते लेकिन फिर भी एक तरह का एक नॉर्मल हमारा एवरीडे uh, के उसमें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमको पता है कि कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे लिए राइट right? सो so, उसमें हमारा कौन सा तत्व उससे इन्वॉल्व है और जब हम इसमें तो हम डायरेक्टली जानते ही हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो इसका ये तत्व जरूर इसमें इन्वॉल्व है लेकिन अफकोर्स सारे तत्व एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक तत्व को अलग कर लो और दूसरे तत्व को आप कुछ वो नहीं करो बिकॉज कुछ तत्व को बढ़ाना पड़ता है कुछ को घटाना पड़ता है तो जाके वो चीजें बैलेंसिंग होती है राइट कुछ ज्यादा भी हो सकती है कुछ कम भी हो सकती है राइट सो so, आपकी कौन सी डायरेक्शन उससे एसोसिएटेड है ये मैंने बात की मैंने बात की कलर जो आपने अभी बोला कि हम बट किसी प्रकार का खाना खा सकते हैं किसी कलर का खाना खा सकते हैं उसी प्रकार से किसी कलर के कपड़े पहन सकते हैं किसी कलर हमारे यह चक्रास के साथ यह एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है तो उसमें इसके बारे में भी बात होगी मैम आप क्रिस्टल के बारे में बताएंगे ना कोर्स ये स्पेसिफिकली क्रिस्टल का कोर्स नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स जो आपसे अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड क्रिस्टल है जो वॉट वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड क्रिस्टल हैं जो वो सब आपको यस yes बताया जाएगा मैम ये टोटल कितने दिन का होगा कोर्स ये दो महीने का कोर्स है तो दो महीने में हमारी क्लासेस होती हैं हफ्ते में दो दिन yes. तो हफ्ते में दो दिन होती है तो आठ क्लासेस एक महीने में होती है और आठ क्लासेस दूसरे महीने में होती है तो टोटल मिला के सोलह क्लासेस होती है ठीक है तो जो जैसे कि हम अर्थ की बात करते हैं तो हम अर्थ की बात करते हैं तो जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है जो बोन्स है जो फ्लैश है, है ये सब हमको एक प्रकार दे रहा है राइट अगर आप सोचो अगर आपका प्रकार नहीं होता आपको कोई कोई चीज को बनाना है तो वो मिट्टी मिट्टी जो है उसको एक प्रकार देती है राइट नहीं तो अगर सिर्फ पानी ही होता तो वो हमारी बॉडी तो ऐसे फ्लूड की तरह होती है ना उसमें कोई वो नहीं होता राइट होल्ड नहीं होता उसको उसको एक प्रकार पकड़ के एक जुट करके एक जगह पे रखने का कोई वो नहीं होता राइट right? तो जब हमारे अर्थ इज आउट ऑफ बैलेंस तो हमको स्पेशली इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू स्किन हेयर मसल्स बोन्स ये सब के इश्यूज हमारे अंदर आते हैं और आप देख सकते हो कि आजकल जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कोर्स हमारा खान पान जो हम खा रहे हैं उसमें ये अर्थ एलिमेंट की प्रॉब्लम है ही पर उसकी वजह से हमारा जो शरीर है उसके अंदर जब ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल में ये सब प्रॉब्लम्स आजकल है हर किसी राइट right? और इसकी वजह से हम कभी ना कभी थकान भी महसूस करते हैं हमारे वीकनेस भी हो जाती है हम कुछ लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती कुछ लोगों को भूख बहुत कम लगती राइट right? So, कुछ बिकॉज भूख ज्यादा लगती है और खाना खाते रहते हैं और अर्थ एलिमेंट ज्यादा भी होता है तो भी हम मोटापा हमारे अंदर आ जाता है राइट right? तो कुछ लोगों में शरीर में मोटापा पड़ जाता है और कुछ लोगों में शरीर में मोटापा कम भी हो जाता है जबकि ये देखो आप जब डिसबैलेंस कर रहे हो तो आप उसका मतलब क्या कह रहे हो कि कोई चीज या तो बढ़ी भी है या घटी भी राइट right? तो इसका रेपोकेशन दोनों तरफ होएगा ना सो so, ये क्रिस्टल्स की हमने बात की हैंड मुद्रास की बात की फिर इसके अंदर हम लोग मून के साइकिल से भी काम करेंगे तो मून जो है आप जानते हैं फुल मून है न्यू मून है वैक्सिंग मून है वेनिंग मून है, है तो हर मून का जो क्योंकि वह बढ़ता है और घटता है उस प्रकार से वह हमारी बॉडी पर भी इम्पैक्ट करता है आपको मालूम है हम सब हीलर्स हैं हम मून की भी बहुत सी उपासना करते हैं बहुत सी उनकी मेडिटेशंस करते हैं और कैसे वो मून का इफेक्ट पानी के ऊपर होता है और पानी से हमारे ऊपर भी होता है आप आ, हमारे अंदर भी पानी है राइट तो वो काम करेंगे और जब हम अर्थ एलिमेंट के काम से काम कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने रूट से भी काम कर रहे हैं राइट तो रूट्स कौन रिप्रेजेंट करता है हमारे एनसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज हैं Roots को राइट right? तो हम एंसेस्टर भी जब हम अर्थ एलिमेंट की करेंगे तब हम करेंगे तो ऐसे ही जब अलग अलग एलिमेंट्स है अलग अलग एलिमेंट्स से एसोसिएटेड क्या क्या चीजें हैं वह उसमें की जाएंगे जैसे कि अगर आप एयर के ऊपर काम कर रहे हो तो आप अपने माइंड के ऊपर काम कर जब माइंड के ऊपर काम कर रहे हो तो आप माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या बिलीव सिस्टम्स हैं पैटर्न्स हैं उसके ऊपर काम कर सो so, इस तरह से वो कोर्स का वह चीजें अलग अलग होंगे ओवरऑल so, बहुत बड़ा अच्छा सब कुछ कवर करके उस हिसाब से इस कोर्स को बनाया गया okay? चलिए अभी एक मेडिटेशन करने के लिए आप लोग सब तैयार हैं मैम यस देखिए हम सब लोग जो है हमेशा क्या करते हैं मेडिटेशन ये तो हम करते हैं कि हम अपने आप को अपने रूट्स को अपने पैरों के थ्रू धरती के अंदर जाते हुए देखते हैं और फिर वह धरती से हम एनर्जी को पुल करते हैं लेकिन आपके अंदर भी एक्सेस एनर्जी भी हो सकती है इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा एनर्जी को हमको लाना ही पड़ता है तो इस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जब हम कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं कि हम अपने अंदर जो भी एक्सेस है उसको भी बाहर नीचे भेजें जिससे वह अर्थ के अंदर जाए और वहां पर जाकर वो खत्म हो जाए या ट्रांसफॉर्म हो जाए राइट right? ओके okay? So, जबी भी जीवन में आपको अपने जीवन में ऐसा प्रतीक होता है कि आपकी चीजें ठीक से नहीं हो रही हैं, आपका सर घूम रहा है आप चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो एक्टिविटीज बराबर से नहीं हो पा रहे तब आपके लिए एक अर्थ से कनेक्ट होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट सो दैट वी आर डूइंग नाउ जहाँ हम अपने रूट चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं इट्स अ सिंपल मेडिटेशन आप लोग बैठ ओके okay. शांति पूर्वक और अपनी आंखों को बंद करेंगे इस टाइम कोई डिस्टरबेंस नहीं कोई किसी को अपने कमरे में नहीं आने देगा या कोई बात नहीं करेगा सो जस्ट रिलैक्स काम डाउन और अपने शांति पूर्वक एक जगह पर आराम से बैठ जाइए चाहे वह आपकी चेयर है सोफा है बेड है नीचे बैठे हैं तो भी चलेगा अपने पैरों को अगर जमीन को टच कर सकते हैं वेल एंड गुड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं ओके ठीक है चलिए सो वंस आप लोग सब बैठ गए हैं शांतिपूर्वक आंखें बंद कर लीजिए और अब आप आपको जब आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं अपने पूरा ध्यान अपने अंदर एकत्रित करिए मन में दिमाग में बहुत से विचार होंगे बहुत सी चीजें होंगी पर कुछ समय के लिए आप उन चीजों को फील करिए जैसे आपने उनको अपने से अलग रख दिया है अपने से दूर रख दिया तो अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आप जो भी चीज में दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं जो भी थॉट प्रोसेस आ रहा है आप उसको एकत्रित कर रहे हैं इकट्ठा कर रहे हैं और उसको एक वैसल में डालकर अपने से बाहर रख रहे हैं जिससे कि वह जगह जहां पर दिमाग में विचार आ रहा है वह एक तरह से एम्प्टी हो रही है एक तरह से खाली हो रही है सो जस्ट फील इज योर थॉट जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहा है इस समय आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं इसके लिए आप उसको थोड़े समय के लिए अपने से अलग करके एक कोने में रख रहे तो दो तीन बार आपको यह प्रोसेस करना पड़ेगा आप बैठे हैं कुछ और फिर एकदम दिमाग में आ गया उसको निकाली और एक वेसल में इकट्ठा करके वेसल आपके हाथ का वेसल है आपके दोनों हाथों के बीच आपने उसको इकट्ठा किया और अपने शरीर से बाहर एक कोने में रख दिया जिससे कि आप उस पर विचार थोड़ी देर बात करेंगे तो जब आपने दो तीन बार ऐसे कर लिया और जब आपका मन और आपका दिमाग पूरी तरह से अब शांत हो गया है तो आपको इमेजिन करना है कि एक वाइट लाइट ऊपर से आकाश से आप ऊपर नहीं देख रहे हैं। आप अपने अंदर ही अपनी आंखों को बंद करके रखिए लेकिन आप विजुअलाइज करेंगे कि ऊपर से आकाश जो है वहां से एक वाइट लाइट की रे आप तक पहुंच रही है और वह आपके सर के ऊपर हेड ऑफ द टॉप ऑफ द हेड क्राउन चक्रा होता है वहां से आपके अंदर घुस रही है okay, और जैसे माइक ऑन है सॉरी टू डिस्टर्ब जैसे ही वह लाइट आपके अंदर घुस रही है तो आपके क्राउन चक्रा से होते हुए नीचे की तरफ आपके शरीर में जा रही है और उसके लिए वह आपके पीछे की तरफ जो आपका स्पाइन है, जो, जो रीढ़ की हड्डी जो आपके शरीर को सपोर्ट देती है शरीर को खड़ा रहने में मदद करती है वह आपको एक, देती है। एक प्रकार से एक सपोर्ट सिस्टम है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है तो वह लाइट आपके स्पाइन से होते हुए आपके पैरों तक पहुंच रही है और आप अपने पैरों से उसको धरती के अंदर जाते हुए देखिए So, जब यह लाइट आपके शरीर के अंदर से होते हुए नीचे की तरफ जा रही है आपके शरीर के अंदर जो भी इंबैलेंस आपके शरीर के अंदर जो भी ऐसी चीज है जो बराबर से नहीं है वह अपने साथ उसको नीचे कैरी कर उसको अपने साथ नीचे जमीन के अंदर ले जा है सो so, आपको ये फिर से मैं चाह ओके वेट अ मिनट हम लोग एक मिनट रुकते हैं किसका माइक ऑन है मैम डिस्टर्ब बहुत हो रहा है माइक जया मेहता का ऑन है हम सबको म्यूट कर दो मैम सिंथिया है एंड जया माइत्रा तमिला सॉरी तुम कोई म्यूट कर रही हूँ प्लीज अपना माइक को बंद रखिए हाँ हाँ मैं मैं अपना माइक को ऑफ ऑफ कर रहा हूं मैडम ओके अभी आवाज बंद है हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं पर अभी प्लीज सब लोग शांति से सो so, अपनी जगह आप जो भी है जहां पर भी बैठे हैं वहां पर शांति पूर्वक बैठिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए कुछ समय अपना पूरा ध्यान अपने अंदर एकत्रित करिए अपने अंदर लेकर आइए जब मैं कहती हूँ अपना ध्यान अंदर लेके आइए इसका मतलब है कि आप जो भी आपकी सेंसेस हैं जो अभी लगी हुई है आसपास पर ध्यान देने में क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद की तो कहीं ना कहीं आपने उनको देखने से रोका है उसी प्रकार से आपकी जो नासिका है उससे आप श्वास ले रहे हैं लेकिन आपका कंसंट्रेशन है आपके अंदर जो श्वास चल रही है। और कैसे आपके शरीर से श्वास बाहर जा रही है। उसी प्रकार से आपके कान भी जो है उनका कार्य है अभी आपके अंदर जो विचार है अंदर जो आपके अंदर चल रहा है उस पर ध्यान देना उसको सुनना ना कि जो बाहर आसपास की आवाजें सो इस तरह से आप अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को अपने अंदर अपने बॉडी के एनर्जी को फील करने में लगाएंगे तो जब आप शांति से ऐसे बैठे हैं तो मन में बहुत सारे विचार बहुत सारी चीजें आ रही होंगी दिमाग शांत नहीं बैठ सकता है और इसके लिए जरूरी है कि जो भी विचार आ रहे हैं जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए आप कलेक्ट करके एक कोने में रखते तो अगर आपको उनको कोने में रखना है तो आप उनको कह रहे हैं कि मैं तुमको तुम्हारी बात को सुनूंगा तुम पर ध्यान दूंगा लेकिन कुछ समय के लिए मैं अपने ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ और इसके लिए यह सारे विचारों को मैं अभी एक कोने में रख रहा हूँ तो जैसे ही कोई विचार आता है उसको कलेक्ट करिए जैसे कि एक वेसल में कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको उठाकर आग कोने में रख रहे हैं और जैसे आप धीरे धीरे ऐसा करेंगे थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में जो विचार आ रहे थे वह कम हो जाएंगे कम होते जाएंगे और एक समय आएगा जब आपका दिमाग और मन पूरी तरह से शांत हो जाए So, जब आप पूरी तरह से अब शांत हैं, अब आप फील करिए कि आपके आसमान से ऊपर आसमान से आपकी तरफ को एक वाइट लाइट आ रही है और जो व्हाइट लाइट चाहे वो एक रे के फॉर्म में है एक डंडे के फॉर्म में है एक सीधी लाइन रेखा के फॉर्म में है जिस भी फॉर्म में आपको नजर आ रही है चाहे वह नजर आ रही है वह प्रकाश की जो लाइन है जो किरण है जो आप तक आ रही है वह आपके टॉप ऑफ द हेड, आपके क्राउन चक्रा से आपके अंदर शरीर के अंदर घुस रही है। और जब वह शरीर के अंदर घुस रही है तो आपके पीछे जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके थ्रू होते हुए है वह नीचे आपके पैरों के थ्रू होते हुए अर्थ तक जा रही है तो यह है फ्लो जो है ऑफ दिस लाइट, आप ऑब्जर्व करिए अपनी बॉडी के अंदर आते हुए और आपके शरीर से पीछे की तरफ से होते हुए क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से नीचे तक आपको कनेक्ट करती है तो वह सारे ऑर्गन सब शरीर के भाग सब होते हुए आपके पैरों से नीचे धरती के अंदर जा रहे आपको फील करना है जब आप एक दो बार इसको देख लेते हैं जैसे कि शरीर के अंदर बहुत सारे इम्बैलेंसेस होंगे बहुत सारी चीजें बराबर से नहीं होंगी सही तरीके से नहीं होंगी तो यह लाइट जो है जहां पर भी इम्बेलेंसेस हैं शरीर के अंदर उनको अपने साथ लेते हुए उस धरती के अंदर लेके जा रही और जब वह धरती के अंदर लेके जा रही है तो वहां पर वह रिसाइकिल्ड होंगे वहां पर उनमें परिवर्तन होगा और जो कुछ आपके लिए जरूरी नहीं है वह एक तरह से वहां से वह बह जाएगा वह वा वापस नहीं आए लेकिन जो वापस आपको लेके आना है वह है धरती से उसकी एनर्जी। तो आपने यूनिवर्स से एनर्जी रिसीव की, आपकी बॉडी के थ्रू होते हुए वह धरती तक गई जब आपने यह रेखा को देखा तो आपके शरीर के अंदर जो भी इम्बैलेंसेस थे वह इस रेखा के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकलकर वह धरती के अंदर चले गए पर अब आपका जो संपर्क धरती की एनर्जी से बना है तो आप धरती के अंदर से जो सॉलिड और रिलायबल ग्राउंडिंग एनर्जी है जो कि भूमि की एनर्जी है इस अर्थ की एनर्जी है जो कि हमको स्टेबलाइज़ करती है हमको ग्राउंड करती है हमको कनेक्ट करती है इस धरती के साथ जिससे कि हम सेफ और सुरक्षित फील करें वह एनर्जी आप अर्थ से लेकर अपने अंदर लेकर आ रहे हैं बैक थ्रू योर फीट और इट गोज टिल योर हिप जहां पर आपके हिप एरिया है तो आपने क्या देखा ऊपर से एनर्जी आई आपके शरीर से होते हुए नीचे गई आपके शरीर में जो भी डिसबैलेंस थे वह उसने अर्थ एनर्जी में छोड़ दिए और अर्थ से वह स्टेबल और सॉलिड एनर्जी को लेते हुए चाहे आपको किस भी रंग में दिखाई दे रही है हो सकता है आपको लाल रंग में दिखाई दे रही हो हो सकता है भूरे रंग में दिखाई दे रही हो क्योंकि ऊपर से जो एनर्जी आपको दिखी वह तो आपको सिल्वरी वाइट लाइट में दिखाई दी पर आप जब आप अर्थ से एनर्जी को ऊपर लेकर आएंगे तो वह आपकी लाल भूमि का जो रंग है उस प्रकार से एनर्जी हो सकती है तो उस एनर्जी को आप अपने पैरों से अपने शरीर के अंदर लेकर आ रहे हैं एक एनर्जी आई थी जो आपके हेड से नीचे गई वो यूनिवर्स की एनर्जी है और पैरों से जो एनर्जी आ रही है ऊपर की तरफ जो जा रही है वह है अर्थ की एनर्जी तो जब वह एनर्जी आपके अंदर घुस रही है आपके पैरों से होते हुए आपके हिप एरिया तक पहुंच रही है आप जब आपके वो हिप एरिया टेल बोन एरिया के इधर पहुंचती है जहां पर कि आपकी मूलधारा चक्र है आप यहां पर वह लाल एनर्जी को एक्सपैंड होते हुए देखिए किस प्रकार से वह यहां पर एनर्जी जो है उसका फ्लो जो है वह किस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उसका फ्लो बराबर नहीं है तो वह उस प्रकार से ठीक हो रहा है और जहाँ पर उसके फ्लो को कम करना है या अगर बहुत ज्यादा है तो वह एंटी में उस फ्लो को अपने अंदर से कम कर रहा है दूर कर रहा है। सो उस प्रकार से उस एनर्जी को स्प्रिल होते हुए वहां पर देखिए वहां पर उसको घूमते हुए जिससे कि आपका जो भी रूट चक्रा है और उससे कनेक्टेड जितने भी ऑर्गन है उसके आसपास वह सब भी उस एनर्जी के फ्लो को बराबर तरह से रिसीव कर पा रहे हैं जैसे जैसे यह रूट चक्रा अच्छी तरह से घूम रहा है सो फील दैट फ्लो ऑफ द रूट चक्र और जैसे ही वह घूम रहा है आपके इस एरिया में लाइट जो है वो ब्राइट हो रही है जो रंग है उसका वो उजागर हो रहा है और बढ़िया हो रहा है ठीक हो रहा है हो सकता है कुछ समय से क्योंकि वहां पर लाइट कम थी या लाइट बराबर नहीं थी एनर्जी बराबर नहीं थी वाइब्रेशन बराबर नहीं थी इस कारण से वहाँ का लाइट जो थी वो फेड हो गई थी उसका रंग जो है धुंधला पड़ गया था कमजोर हो गया था लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर वह अर्थ एनर्जी लेके आए हैं तो वह अर्थ एनर्जी से वहाँ का जो है पूरा वातावरण बदल गया एंड यू कैन फील दैट एनर्जी सो अगर आपको चाहिए तो अपने हाथ को भी आप अपने लोअर एबडोम एरिया के नीचे की तरफ को रख के आपके प्राइवेट पार्ट के इधर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ की एनर्जी का फ्लो जो है वह आपकी बॉडी में बढ़ गया है सही मात्रा में और आपको अच्छा अनुभव हो रहा है आप सिक्योर्ड और सेफ स्टेबल फील कर रहे हैं सो फील दैट एनर्जी एंड द क्वालिटीज ऑफ द अर्थ जो मिट्टी हमें वह एलिमेंट जो है मिट्टी पृथ्वी एलिमेंट वह जो क्वालिटीज हमको प्रदान करता है जो हमको अपने जीवन में इस समय पर जिसकी ज्यादा जरूरत है हो सकता है आपको कहीं ना कहीं जीवन में अनसेफ फील हो रहा हो इनसिक्योर फील हो रहा हो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी चीजें सही प्रकार से नहीं चल रही आप किस पर डिपेंड करें किस पर ना डिपेंड करें किस पर भरोसा करें ना भरोसा करें कैसे चीजों को सही तरीके से अपने जीवन में लाए जिससे कि वह परमानेंट हो पाए स्टेबल हो पाए तो जहां पर भी आपके जिस भी एरिया में लाइफ में जहां पर आप यह प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अब इस अर्थ एनर्जी के द्वारा वह सारी डिफिकल्टीज दूर हो रही हैं क्योंकि जैसे ही वहाँ का व्हील हिलने लग गया है उसमें स्पीड आ गई है मोमेंटम आ गई है वाइब्रेशन आ गई है तो वैसे ही आपके जितने भी चीजें रुकी हुई हैं ढली हुई हैं वह सब उसके साथ साथ ठीक हो रही हैं बराबर हो रही हैं सो जस्ट फील दैट सेंसेशन और आप यह एनर्जी को जब भी चाहें आप इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि यह पृथ्वी की एनर्जी है और हम सब पृथ्वीवासी हैं हम इस एनर्जी के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन काल में इन एनर्जी को भूल जाते हैं और ऐसी चीजें करने लगते हैं जिसके कारण हमको कहीं ना कहीं डिसबैलेंस लाइफ में क्रिएट हो जाते हैं तो अगर हमें जब भी इसकी जरूरत है जब भी हमें इस प्रकार की कोई कमी महसूस हो तो हम इस एनर्जी से तभी कनेक्ट कर सकते हैं तो धीरे 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 जस्ट फील वो एनर्जी आपके अंदर स्टेबलाइज हो रही है और अब ऐसा हो गया है कि जब आप फील कर सकते हैं कि अब आप बराबर हैं इसकी मात्रा बराबर है सब प्रकार से आप खुश महसूस खुशी महसूस कर रहे हैं एंड यू आर कनेक्टेड टू दिस अर्थ एनर्जी प्रॉपरली फुल्ली कंप्लीटली और आपके पूरे पैरों में आपके बोन स्ट्रक्चर में आपके शरीर के अंदर उसका तेज प्रकाश पहुंच रहा है। भले ही आपने उसको अपने टेलबोन एरिया में ही उसको अभी कनेक्ट किया है लेकिन उसके प्रकाश जो है उसकी जो प्रकाश है वह और आपके तत्वों को भी प्रकाशित कर रहा है सो जस्ट फील दैट एज इफ उसका प्रकाश और ऊंचाई तक ऊपर तक जा रहा है आपके शरीर के अंदर जिसके कारण आपका शरीर और तेजस्वी फील कर रहा है। और जब आप पूरी तरह से स्टेबल फील कर रहे हैं तो धीरे 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 आप अपने हाथों को अपने साथ लाइए दोनों हाथों को मलकर अपनी आंखों पर लगाइए एंड यू कैन ओपन योर Okay, सब लोग आ गए हैं तो, ये तो बहुत सिंपल सी ग्राउंडिंग टेक्निक है हम लोग करते ही हैं कई बार ग्राउंडिंग तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स होंगी जो कि ग्राउंडिंग के लिए होंगी और अलग अलग तत्व के लिए होंगी तो जैसे कि हम सिंपल चीजें हैं हम घर के अंदर बिना चप्पल पहने चलते हैं बाहर भी जाते हैं गार्डन में बिना चप्पल पहन के चल सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आप बिलीव नहीं करेंगे रात को भी मैं उनको कई बार देखती हूँ वो नीचे उतर के आते हैं या ऐसे तो बिना चप्पल के भी वॉक करते हैं बट ऑफकोर्स हमको इसमें बहुत सारी सावधानी भी देखनी पड़ती है कि कभी कभी हमारे जो जमीन है हमारे उसमें कंकड़ होते हैं या हमारी जमीन पर बहुत सी चीजें पड़ी होती हैं गिरी भी होती हैं बिखरी भी होती हैं तो आप फिर भी अगर आप ग्रास के ऊपर थोड़ा चलेंगे स्टोन से आपकी रिफ्लेक्सोलॉजी होगी तो आपके उस प्रकार से भी हम आ, कर सकते हैं सो so, ऐसे बहुत सारी तकनीक हैं, जैसे कि मैंने कुछ बारह पंद्रह टेक्निक्स की हैं जहाँ पर हम अलग अलग तरीके से अपने आप को अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं सो so, ऐसे हर एलिमेंट का हम इस प्रकार से आ, अलग अलग चीजों से रिलेटेड अलग अलग आ, जो मैंने बताया कि क्रिस्टल्स हैं या हैंड मुद्रा है या जो भी है आपके डायरेक्शंस हैं कलर्स हैं तो वो सबके साथ हम लोग पंचतत्व हीलिंग करेंगे जिससे कि आप अपनी एज वेल एज फॉर द क्लाइंट्स कैसे करें वह आपको सिखाया जाए ओके okay, एक और चीज मैं करना चाहती हूँ हम्म किसी को कुछ पूछना है हाँ मैम मदर अर्थ जो है पृथ्वी है उसका एटमोस्फियर तो बहुत ऊंचे तक रहता है उसका वाइब्रेशन तो हम तो धरती के ऊपर ही रहते हैं तो फिर क्यों रूट चक्रा या फिर अर्थ एलिमेंट का गड़बड़ी हो जाता है जबकि हम ट्वेंटी फोर आवर्स उसी के ऊपर रह रहे हैं हाँ पर देखो आप ट्वेंटी फोर आवर्स तो उसी के ऊपर रह रहे हो लेकिन क्या है कि आपके आज जो अर्थ एलिमेंट है आपके सारे कॉन्क्रीट हैं राइट है ना हाँ, हाँ। 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 तो आप एक्चुअल अर्थ से तो कनेक्टेड ही नहीं हो ना आपने तो उसके ऊपर इतना मलबा इतना सारा ब्रिक वर्क इतनी सारी चीजें डाल के रखी हुई हैं, सीमेंट है ना आप अगर फॉरेस्ट में रहते होते या आप ऐसी जगह पे रहते होते जहां पे खुरदरी जमीन है एक्चुअली जहां हम क्यों अर्थ वॉक नेचर वॉक की बात करते हैं गार्डन वॉक की बात करते हैं वहां पर भी गार्डन में भी एक्चुअली पोडियम गार्डन्स है तो कई बार आपकी एक्चुअली वो आर्टिफिशियल uh, गार्डन होते हैं क्रिएटेड है ना दे आर नॉट इवन कनेक्टेड टू अर्थ राइट इसीलिए इस प्रकार के पेड़ भी उगाते नहीं है जो पेड़ बहुत डीप तक जा पाए पहले जमाने में या पहले इस प्रकार से जिस तरह से पेड़ होते थे जैसे कि आम का पेड़ है वट का पेड़ है वो कितने डीप जाते हैं सो दे गो आजकल कौन वैसे पेड़ हम उगाते ही नहीं है हम कैसे पेड़ उगाते हैं जैसे पाम है या जो शैलो रूट सिस्टम वाले होते हैं राइट right? सो so, भले ही अर्थ का वाइब्रेशन बहुत है पर आप क्या वैसे पे हो आप अर्थ से एक्चुअली कनेक्ट हो रहे हो अभी आप बिल्डिंग्स में रहते हो राइट फ्लैट सिस्टम में रहते oh. ना? तो आप वैसे भी अर्थ से ऊपर ही हो है ना करेक्ट और उसमें भी जो भी है तो वो फाउंडेशन जो नीब डाली जाती है तो उससे उसकी वजह से जो आपका जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है घर का स्ट्रक्चर वो तो काफी ऊपर और उसका कनेक्शन ही नहीं है ना तो मैं मेरा ये था कि जैसे एक चीज की वाइब्रेशन रहती है तो अर्थ की वाइब्रेशन तो बहुत ऊपर तक है तो भले मैं थर्ड फ्लोर पे रहूं तो भी मुझे वो वाइब्रेशन मिलनी चाहिए ना क्या सिर्फ नंगे पैर और पे चलने से ही मैं वो उसकी एनर्जी मिलेगी नहीं या फिर देखो, देखो अर्थ की वाइब्रेशन है इन द सेंस के एक होता है वेर यू फील द वाइब्रेशन अराउंड योरसेल्फ है ना राइट right? है ना अभी जैसे कि आपने म्यूजिक चलाया या कोई भी चीज चलाई तो आप एक आप क्या बोलते हो अपने घर के अंदर आप वाइब्रेशन को चेंज करो आप अपने वाइब्रेशन आसपास पास बदले तो आपका चीज भी बदलेगी राइट ये होता है जहां पर कि हम वाइब्रेशन को चेंज कर रहे हैं अपने अराउंड राइट अभी अर्थ की वाइब्रेशन कैसी है जस्ट टेल मी वन थिंग जो आप आजकल जो जिस प्रकार का चीजें चलती हैं यू हैव सो मच ऑफ साउंड्स अराउंड है ना आपकी पॉल्यूशन है राइट आपके आप क्या अर्थ की बीट को सुन पाते हो क्या yeah. आप ऐसे बोलोगे अर्थ की तो बीट भी, आ, अर्थ का भी है राइट? क्या आप सुन पा रहा अर्थ की बीट को? Yeah. Yeah. तो आपको yeah. तो इतना आ, आप अपने अंदर की बीट को नहीं सुन पाते आप तो बाहर की किसी की क्या सुनोगे आपके अपने हार्ट आपका हार्ट हृदय बीट करता है हिदे जो है आवाज करता है आपके ऑर्गन्स में भी आवाज होती है क्या आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो नहीं डे टू डे में तो नहीं करते तो फिर उनकी क्या वाइब्रेशन कम है क्या है ना उनमें भी वाइब्रेशन है हम सब इंसानों में भी वाइब्रेशन है क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो दूसरे की वाइब्रेशन से Okay. हम सब सिर्फ नेगेटिव वाइब्रेशन से कनेक्ट कर पाते हैं हम तब बोल देंगे हाँ देखो मेरे को कुछ हो गया एक्चुअली मैं उसके घर गई थी ना उसकी वाइब्रेशन बहुत खराब है राइट right? ये तो हम फटाक से जान जाते हैं या हम समझ पाते हैं है ना लेकिन जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात करते हैं तो क्या हम कनेक्ट कर पाते क्या हम एक दूसरे के इमोशंस को भी क्या इमोशंस की भी एक लैंग्वेज होती है इमोशंस की भी एक वाइब्रेशन होती है इवन टच की जब कोई आपको टच करता है तो भी उसकी एक वाइब्रेशन है उसकी एक वो है क्या आप वो फील कर पाते हो क्या मैं आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूं अगर मैं आपके ऊपर हाथ रखती हूं तो क्या आप उसको फील कर पाते हो तो जब हम अपने आप से नहीं कनेक्ट कर पाते तो हम क्या से कनेक्ट करेंगे वाइब्रेशन okay, then... तो है ना पेड़ में भी वाइब्रेशन है स्टोन में भी है तो आप पकड़ते हो क्या आप उसकी वाइब्रेशन को फील करते हो hmm, मैं करते हैं। तो उसके लिए मतलब आपको अपना ध्यान एकत्रित करना पड़ता है ना राइट right? hmm. ऐसा नहीं है okay. कि वो नहीं है वो है लेकिन कहीं ना कहीं आप इतनी चीजों में उलझे हुए हो इतनी चीजों में आपका दिमाग अटका हुआ है आपके आसपास इतना शोर है कि आपको वो अपना अंदर का शोर कैसे सुनाई देगा या का का अंत अर्थ शोर कैसे सुनाई देगा ये जब कनेक्टिविटी बैठेगी तभी वो बैलेंस होगा शॉर्ट हाँ इसीलिए जितने भी महापुरुष होते हैं या कोई ज्ञानी होते हैं या साधु होते हैं या जो करते हैं वो क्या करते हैं वो सब अपना ध्यान एकत्रित करके जब वह कनेक्ट करते हैं तो वो उसकी वाइब्रेशन से कनेक्ट कर जाते हैं अर्थ की राइट right? हम यहां से बात करते हैं आकाश में जाने की आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशिक चीजें आकाशिक वो ये सब हम करने की कोशिश करते हैं वो तो हमसे दूर है ना अर्थ तो हमारे पास है हम तो अर्थ पे ही हैं हाँ वही इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम वो उसमें नहीं है प्रॉब्लम है हम वो उस तरफ उस तरफ विचार उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं उस तरफ कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं उससे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं उसको समझ ही नहीं रहे हैं इसीलिए नॉट कि वो है नहीं राइट right? जैसे कि आप फोन पकड़े हो आप फोन को वाइब्रेशन मोड पे डालते हो आपको वाइब्रेशन सुनाई देती है ना उसकी वाइब्रेशन एकदम होती है ना आपके हाथ पे आ जाती राइट यस हैव अट्यून्ड सेल्फ टू सर्टेन वाइब्रेशन हमने कुछ वाइब्रेशन को अनसुना कर दिया है और कुछ चीजों के साथ हमने कनेक्शन बना लिया इसके लिए हमको अर्थ की वो चीजें नहीं सुनाई देती और इसके लिए हमको कोशिश करनी पड़ती है कनेक्ट करने के लिए प्रयास करना पड़ता है एक आ, प्रयास ऐसा कि जिसमें स्ट्रक्चर प्रयास है तभी हो पाता है नहीं तो नहीं हो पा माय सेकंड क्वेश्चन आपने कहा कि हेयर एंड स्किन रूट चक्रा से कनेक्टेड है हाँ करेक्ट तो हेयर है क्राउन चक्रा के पास तो ये रूट से कैसे कनेक्टेड है क्या वो फार्मिंग का concept यहां पर applicable हुआ। हाँ, in the sense के अगर आपको कोई भी चीज को इकट्ठा करना है जोड़ना है पकड़ के रखना है तो उसके लिए क्या की जरूरत है अर्थ की जरूरत है ना नहीं तो वो गिर जाएगी ना सो हेयर फॉल्स हम प्रॉब्लम हेयर हेयर की किस हेयर की पोजीशन यहाँ है पर हाँ. हम क्या बात कर रहे हैं हेयर का गिरना राइट तो अगर वो चीज गिर रही है तो वो किस लिए गिर रही है क्योंकि उसकी पकड़ नहीं है ना उसको पकड़ने वाली चीज नहीं है आपका अर्थ बैलेंस डिसबैलेंस होगा तो वो क्या होगा जैसे कि आप आ, अगर कोई पेड़ को उगाते हो अगर उसकी मिट्टी उसको पकड़ नहीं पाएगी तो पेड़ गिर जाएगा ना बिल्कुल मैम राइट ओके थैंक यू सो मच नो मोस्ट वेलकम और किसी को कुछ पूछना है सो so जो भी है वी एस आप लोगों सब को सबको मालूम है क्लासेस कब से हैं आप अटेंड कर सकते हैं आ, और आपको अगर इंटरेस्ट है उसमें तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स और काफी कुछ शेयर करने को मिलेगा काफी कुछ सीखने को मिलेगा काफी कुछ करने को मिलेगा और और एक कॉमन कोर्स है मतलब इट्स नॉट के बहुत हाई फ्लाई चीजें हमको करनी है लेकिन कॉमन भी आजकल डिसकॉमन हो गया है राइट सो वी विल बी डूइंग सिंपल थिंग्स इन अ सिंपल वे इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए ये ये पता होना चाहिए इट इज लाइक एज अ हीलर एज अ पर्सन हु अंडरस्टैंड एंड हु वॉन्ट्स टू बी इन दिस फील्ड प्लस अगर नॉर्मल पर्सन भी घर पे अपने बैठा है वह चाहता है कि अपने जीवन को खुशहाल बनाए बेटर बनाए अपनी चीजों को ठीक करे सेहत को ठीक करे अपना खुद का इलाज करे वेयर इट नेसेसरी टू गो टू द डॉक्टर लेकिन एटलीस्ट प्रिकॉशनरी वे में कि भाई प्रिकॉशंस लेके वो अपने आप को सेहतमंद रखे जहां तक हो सके राइट सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं राइट right? ओके okay. मैम इसके डेज और टाइमिंग ये इलेवन टू वन ही रहेगा डेज क्या रहेंगे डेज एक्चुअली ट्यूसडे और थर्सडे है और कब से स्टार्ट हो रहा फ्रॉम नेक्स्ट थर्सडे ऑन हाँ करेक्ट फ्रॉम थर्सडे ओनली टू स्टार्ट मैम दो घंटे okay. का रहेगा हाँ जी मैम दो घंटे का रहेगा कितने दिन का रहेगा हाँ हाँ ग्यारह से साढ़े बारह एक बजे तक तो खत्म एक बजे तक तो खत्म हो जाएगा मैं नहीं रेकी एकेडमी में कराते हैं तो रेकी के कोर्सेज हैं मेरा कोर्स तो वूम हीलिंग का कोर्स है अच्छा आ, हाँ सो वो है और आ, अब कुछ कोर्सेज आएंगे और तो मैं आप करवाती हूँ इसके अलावा और भी हाँ हाँ ऑफ कोर्स मतलब मैं खुद ग्रैंड मास्टर रेकी हूँ पर यहाँ एकेडमी में आ, उपासना जी रेकी सिखाती हैं सो so, हर एक का अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं जो सिखाते हैं बट ऑफ कोर्स हम सब सब कुछ जानते हैं या कहीं ना कहीं हमको उनका आइडिया है लेकिन हर एक के लिए एक एक टीचर होनी चाहिए ना नहीं तो फिर सब लोग सब कुछ नहीं सिखा सकते या है, सिखाना नहीं चाहिए एक दूसरे की चीजें हाँ अलावा और भी क्या आप जैसे इस एकेडमी में और क्या सिखाते हो आप इसके अलावा पंचतत्व तो हीलिंग के अलावा Uh, मेरा देखिए अभी बूम हीलिंग का कोर्स चल रहा है जो खत्म होएगा उसके बाद मेरे दो तीन कोर्सेज आने वाले हैं अभी तो जो मेरे कोर्सेज हैं वो अभी खत्म हुए हैं जैसे मैंने क्रिस्टल शमानिज्म सिखाया था वो अभी खत्म हुआ है एनसेस्टल हीलिंग किया था शमानिक के तीन चार अलग अलग तरह कोर्सेज किए थे Uh, अब जो है मैं uh, ये बूम हीलिंग के बाद इसमें एक एडवांस कोर्स का प्लान कर रहे हैं तो वो तो एकेडमीज जब डिसाइड करेंगी तब और एक हमारा सेलेस्टियल हीलिंग का होगा जो अपर वर्ल्ड हीलिंग जिसको हम ऊपर आकाश आकाशिक लोगों से कनेक्ट करने के लिए को मैं सब दिल्ली से विराम करते हो कहाँ से विराम करते हो किस सिटी से हो नहीं, नहीं मैं मुंबई से मुंबई से मैं सभी लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि मोनिका मैम वूम हीलिंग कराते हैं जो गर्भ से रिलेटेड होता है तो सारे लोग अगर पॉसिबल है तो करें क्योंकि ये अपने बॉडी को भी हील करता है साथ साथ हमारे मम्मी मदर की भी करता है और एंसिस्टर के भी करता है जिस बूम से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम ये इनके ये कोर्स के थ्रू सॉल्व होता है तो वो अगर सॉल्व हुआ तो अपने जो आने वाले बच्चे हैं उनको वो दिक्कतें नहीं होगी किसी भी तरह का जी मैम थैंक यू थैंक यू ओके तो किसी को और को कुछ पूछना है नहीं तो वी विल एंड द क्लास हियर मैम theory part and meditation part if it is is it possible to give the separate recording for the meditation or it is it will come within the entire only kyunki quickly ho jata hai practice isliye ha theek hai kar sakte hain meditation ka i will make a separate audio ah. हाँ, नहीं तो मान लीजिए मतलब कोई दिन बहुत हरबड़ी में हो तो फिर वो फिर वो टाइम ड्यूरेशन ढूंढने पड़ता है फॉरवर्ड करके है। करके हाँ, 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 नहीं नहीं यस इट इट वन ऑफ़ द वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंडिंग मेडिटेशन आई आई हैव अटेंडेड कैन गिव सेपरेटली मैं ज़्यादातर अपने कोर्सेज में ऑडियो भी देती हूँ और हाँ, जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे दिए जाते हैं आपको तो वो okay. पूरा पीडीएफ का जो भी क्लास में होता है वो भी होता है प्लस आपका रिकॉर्डिंग भी होता है और ट्रांसक्रिप्ट भी मिलती है आपको ओके okay. जस्ट मेडिटेशन पार्ट मैम अगर तो वो मतलब कोई भी दिन मतलब नींद के पहले भी थोड़ा चला लिया तो हाँ जैसा अभी मैंने ग्राउंड पे मैंने मतलब फ्लोर पे पा रख के ग्राउंडिंग मेडिटेशन किया है बाय इमेजिनिंग दैट द एनर्जी इज गोइंग टू द सेंटर ऑफ द मदर अर्ट और रिसीविंग फ्रॉम देअ बट

ओके okay, हाँ, okay. हाँ, right. बट हाँ, हाँ, क्या होता है आपके आपके टच करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये राइट हो, अच्छा करेक्ट right, हाँ. उसी तरह से जैसे कि अगर आप ग्राउंड पे जाके यू कैन डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ऑल्सो ओके तो okay. क्या करते हैं वी थिंक मेडिटेशन हमको सिर्फ बैठ के ही करना चाहिए बट इफ यू कैन डू वाइल वॉकिंग एंड यू कैन फील बट द थिंग इज वहां पे आप वो फील करोगे कि मैं तो आंखें बंद कर रही हूँ फिर मैं कैसे वॉक करूंगी राइट right? है ना सो yeah. so, उसके लिए मतलब वॉट आई मीन टू से कि जैसे कि आप अगर आप कई लोग ऐसा नहीं है कि आपको आंखें बंद करके ही मेडिटेशन करने की जरूरत है इफ यू कैन डू विदाउट इवन विदाउट क्लोजिंग द आईज बट सिर्फ क्या होता है हमारी अटेंशन इधर उधर जाती है डाइवर्ट डिव, होती है वी आर नॉट एबल टू टू फोकस सो कुछ इफ व्हेन यू हैव प्रोग्रेस प्रोग्रेस जब आप आगे करोगे तो लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि आप भीड़ भाड़ में भी खड़े हो आपकी आंखें भी खुली हैं तो भी आप मेडिटेटिव स्टो, पोज स्टो, में हो और आप वो चीज कर पा रहे हो दैट इज हाउ इट शुड बी फोकस कंसेंट्रेशन उतना ही होना चाहिए कि अगर मैं कभी भी आंखें खुल के भी वर्क करके कान पर एयरफोन देके सुन रही हूँ तो भी वो मैं ले पाऊंगी एंड कर पाऊंगी मतलब आपके खुलना मैटर नहीं करेंगे That is very valuable information, तो मैम अगर मैं अब मुझे मैं अब हम लोग सबको अगर ग्रुप में मेडिटेशन का वीडियो अलग से दे दोगे इसमें जब तो देन आई व्हाट आई कैन डू लाइक ग्रीन ग्लास में मॉर्निंग में वर्क कर सकती हूँ ईयरफोन देके सुन के सुन के तो आई थिंक दैट विल कनेक्ट मोर टू मोट हाँ यस 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 दैट्स अ वंडरफुल वे आप देखो yeah. आप कोई भी चीज को कुछ भी इसमें से करोगे जो ये कोर्स में होगा आप उसको एवरी डे कर सकते हो अपने और काम करते हुए भी कर सकते हो जैसे yeah. कि वाटर मेडिटेशन yeah. है आप नहाते हुए भी कर सकते हो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वह चीजों को वाई यू वेन यूर यूजिंग वॉटर चाहे आप कुकिंग कर रहे हो है ना yeah. 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 तभी भी आप पानी का इस्तेमाल करते हो वो तो एक्चुअल पानी का इस्तेमाल कर रहे हो राइट लेकिन आप yeah. खड़े हो आप कुछ बना भी रहे हो तो भी आप वो विजुअलाइजेशन के साथ चीजें कर सकते हो यस yes. है ना यस इन दैट केस मतलब फोकस कंसंट्रेशन विजुलाइजेशन, अटेंशन सब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हो जाता है अपने आप इट्स नॉट डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है जब तक hmm. हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कैसे होसम राइट एंड मैम जो नोट्स uh, देते हैं वो वो आई कैंट रीड हिंदी मच मतलब थोड़ा थोड़ा आता है पढ़ना वो नोट इन इंग्लिश ओनली ओके फाइन मैम थैंक नोट्स आर इन इंग्लिश

गुड़गांव जी की तरफ से मैंने पूछा है ये कोर्स एंड में सर्टिफिकेट मिलता है क्या सो शी सेड दैट ये मिलता है सो so, इसका कुछ लेवल्स रहता है क्या कि एट डेज में कवर हो जाता है मतलब हर कोर्स का होता है ना मतलब फ्रॉम बिगिनर टू मीडियम और इंटरमीडिएट और काइंड ऑफ दैट एक्सपर्ट और काइंड ऑफ दैट तो इसमें मतलब एट क्लासेस ही है कि इसका और भी स्टडीज है सिक्सटीन क्लासेस है ना इसकी नॉट एट अच्छा अच्छा

तो व्हाट इज द अचीवमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 16 डेज लाइक hmm. like, हम uh, मतलब फाइव एलिमेंट्स को खुद के लिए बैलेंस कर पाएंगे एंड फैमिली को भी सजेस्ट कर पाएंगे लाइक दैट राइट और मे बी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स एवरीवन ओके करेक्ट राइट ओके थैंक यू सो मच मैम मॉस सेंट थैंक मैम और किसी को कुछ पूछना है ओके सो आई थिंक थैंक यू एवरीवन आप लोग सब आए सबने अटेंड किया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू और अगर आप लोग से मुलाकात हुई अगर आप लोग सब कनेक्ट हुए तो ऑफ कोर्स वी विल कैरी दिस जर्नी फॉरवर्ड थैंक यू थैंक सैल ओके